चलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। टुडे वी कैन स्टार्ट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। डेस क्लियर। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखिए, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पे बेसिकली उन कंटेंट पे ज़्यादा बात करते हैं जिनसे, अगर हम लोग इसके लिए तीन लेक्चर हमारे लिए अलॉटेड हैं, थ्री लेक्चर्स, फोर लेक्चर मैक्सिमम में इसको पूरा करना है। अगर हम फोर लेक्चर्स में, दो तरीके हैं फोर लेक्चर्स में पूरा करने के लिए, हम बहुत तेज़ी से बता दें और ज़्यादा ना सिखाएं, या दूसरा तरीका ये है कि जो मेन कंटेंट हैं उनको हम डिटेल में आपको बता दें, सिखा दें मेन कंटेंट्स को। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि मेन कंटेंट जिससे निश्चित रूप से क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम लोग पहले बात करते हुए चले जाते हैं, फिर आप लोग एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, उसमें जो डाउट सेशन होगा उसमें पूछ लीजिएगा, सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है ना? ओके, तो हम लोग जो है सिक्वेंस इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, हब्जर्ड वे में इस चैप्टर्स को पढ़ते हैं और उन पॉइंटों को क्लियर करते चले जाते हैं जिनसे निश्चित रूप से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, ठीक है ना? आज हम लोग इसलिए बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम लोग बात करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। टुडे वी कैन डिस्कस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। व्हाट इज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, कोई बच्चा बता सकता है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होती है, कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? चलिए हम लोग बात करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बेसिकली होती क्या है। पहला क्वेश्चन होता है, सर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमको बताती क्या है? एक्सप्लेन Explain dual nature of matter. What is the means of dual nature? Explain dual nature of matter. Matter क्या होते हैं? Anything occupied space and having mass is called matter. Anything having occupied space and having mass is called matter. ठीक है? दूसरी, dual nature का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी चीज़ के अंदर हमारे पास क्या है, दो नेचर्स होंगे, उसके अंदर वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। अगर किसी भी मैटर के अंदर अगर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों अवेलेबल है तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर क्या है, उस मैटर के अंदर क्या है, ड्वेल नेचर है। उस मैटर के अंदर क्या है, ड्वेल नेचर अवेलेबल है। क्या है? ड्वेल नेचर अवेलेबल है। इस चीज की कल्पना किसने की और किस हिसाब से की, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। इसको डी ब्रोगली ने इस कॉन्सेप्ट को हमको दिया था। डी ब्रोगली ने आइंस्टीन के कॉन्सेप्ट का सहारा लिया। आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट क्या था, आइंस्टीन की हाइपोथेसिस क्या थी, उसका सहारा लेते हुए हमें इस कॉन्सेप्ट को बताया। क्या सहारा लिया, कैसे सोचा उसने, ठीक है, उस चीज़ पे हम लोग बात करना शुरू करते हैं। एक्सप्लेन, इसका सबसे पहली बात है कि डी ब्रोगली एक्सप्लेन ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, मैटर के ड्वेल नेचर की बात किया। अगर हम लोग बात करना शुरू करें, आइंस्टीन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, आइंस्टीन
आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या बताया था, देखिए आइंस्टीन का क्या स्टेटमेंट था। आइंस्टीन ने यह कहा था कि अगर लाइट, उसने लाइट को लेकर के बात किया था, या हम लोग लाइट की बात करते हैं रेडिएशन, रेडिएशन की बात करते हैं। अगर हम लाइट आए तो हमारे दिमाग में क्या होता है, रेडिएशन की बात होता है। जब हमारे पास रेडिएशन जैसे ही फिगर में आता है, हमारे दिमाग में वेव का पिक्चर बनने लगता है, बने लगता है। जब हम लोग लाइट की बात करते हैं, हमने कहा भाई लाइट मूवमेंट कर रही है, तो हमारे दिमाग में एक साइन कर्व टाइप का एक मूवमेंट हमको नज़र आने लगता है। और कहते हैं अगर अच्छा 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 वो वहाँ से रोशनी यहाँ तक हमारे तक आई है, तो वो साइन कर्व की तरह मूवमेंट करते हुए आई है, तुरंत आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले पिक्चर बनता है। अगर लाइट की मूवमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, लाइट की जैसी आती है तो हम लोग किसकी नेचर की बात करने लगते हैं, वेव नेचर की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं वेव करेक्टर। कैसे पता करेंगे कोई भी सब्सटेंस के अंदर वेव करेक्टर है, भाई दो करेक्टर होगा, क्या होगा सब्सटेंस के अंदर, क्या होगा, कैसे पता करें कि सब्सटेंस के अंदर हमारा क्या है, वेव करेक्टर है। अगर कोई भी स्पेसीज अगर उसके अंदर तीन नेचर की बात करते हैं, फर्स्ट सेकेंड, और कन्फर्म करना चाहते हैं कि इस मैटर के अंदर या दिए गए स्पीसीज के अंदर अगर वेव करेक्टर है, तो पहली बात उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर इंटरफेरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेव्स में जो है इंटरफेरेंस की प्रोसेस होती है, सभी बच्चों को मालूम होगा इंटरफेरेंस। दूसरा, डिफ्रेक्शन होना चाहिए। तीसरा क्या होता है, पोलराइजेशन। तीसरा क्या होता है, पोलराइजेशन। डेस क्लियर और नॉट क्लियर, डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन। अगर किसी पार्टिकल के अंदर क्या है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रेक्शन है और पोलराइजेशन है, तो उसके अंदर क्या होगा, अकर्स, अकर्स या हैविंग, अगर हम लोग कह सकते तो उसके अंदर क्या होगा, हैविंग वेव नेचर, उसके अंदर क्या होगा, वेव नेचर निश्चित रूप से प्रेजेंट होगा। अगर हमको कंफर्म करना है कि इस स्पीसीज के अंदर वेव नेचर है कि नहीं है, तो कैसे कंफर्म करेंगे, आप देखेंगे उसमें इंटरफेरेंस की प्रोसेस हो रही कि नहीं हो रही है, उसमें डिफ्रेक्शन की प्रोसेस हो रही कि नहीं हो रही है, उसके अंदर पोलराइजेशन की प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये सारी प्रोसेस मिल जाएगी तब में ओके 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 आंसर मिल जाएगा, तो कहेंगे कि इस पार्टिकल के अंदर या इस मटेरियल के अंदर हमारे पास क्या है, जो भी मटेरियल्स है उसके अंदर हमारे पास वेव करेक्टर अवेलेबल, क्या है, वेव करेक्टर अवेलेबल है। दूसरा हमारा बात होता है पार्टिकल करेक्टर, पार्टिकल क्या है, पार्टिकल करेक्टर की बात होती है, ठीक है। ये हम लोगों का रिसर्च जो हो रहा था, ये 1905 के आसपास का रिसर्च है जो आइंस्टीन ने हम लोगों को किया था, 1905 के आसपास इसने इन सब बातों के विषय में सोचा था, ठीक है। दूसरी, अगर हमने कहेंगे, जिसे आपने कहा सर किसी भी चीज की, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसका वेव नेचर उसके अंदर है, तो उसके अंदर तीन प्रोसेस से चेंज चेक कर सकते हैं, उसी तरह अगर उसके अंदर पार्टिकल नेचर है तो कैसे डिस्ट्रीक्वाई करेंगे। तो अगर पार्टिकल नेचर है तो उसको जो है शो करना पड़ेगा फोटो ट्रिक इफेक्ट। अगर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके अंदर क्या हो रहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मालूम होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर शो कर रहा है। दूसरा हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट। अगर किसी के अंदर ये तीनों इफेक्ट अगर प्रेजेंट होंगे,
तो हम कहेंगे उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है। क्या है, क्या है उसके अंदर, क्या है पार्टिकल नेचर भी अवेलेबल है उसके अंदर। क्या है, आइंस्टीन ने देखा कि जो लाइट है, लाइट जो है इंटरफेरेंस करेक्टर को भी फॉलो करती है, लाइट जो है डिफ्रेक्शन के कंडीशंस को भी फॉलो करती है, लाइट पोलराइजेशन करेक्टर को भी फॉलो करती है, लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी पालन करती है, लाइट ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट को भी फॉलो करती है, लाइट क्रॉम्पटन इफेक्ट को भी फॉलो करती है। तो अगर करती है तो निश्चित रूप से लाइट के अंदर वेव नेचर भी होगा और उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होगा, उसके अंदर वेव नेचर भी होगा और उसको अंदर भी पार्टिकल नेचर भी होगा। इसी चीज को बेस कर करके देखिए, ई बराबर आप लोगों को याद होगा, ई बराबर एमसी स्क्वायर आइंस्टीन की इक्वेशन थी ई बराबर एमसी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। ई क्या होती है, एनर्जी, एम क्या होता है, मास। हम लोग कहते हैं किसी भी पार्टिकल्स को, अगर हम लोग कहते यही तो हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल्स है, अगर हम इस किसी भी पार्टिकल्स को वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूवमेंट अगर करा देते हैं तो ही कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। यही तो था आइंस्टीन का, यही तो सिद्धांत था। तो अगर एनर्जी में अगर हम बात कर रहे हैं तो एनर्जी का मतलब, जैसे एनर्जी दिमाग में आती है तो हमको क्या नजर आने लगता है, उसके अंदर कौन सा करेक्टर नजर आने लगता है, वेव करेक्टर नजर आने लगता है, आता है कि नहीं आता है? तो ये शायद देखिए आपके वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही। जैसे हम लोग एनर्जी आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, किसकी बात करने लगते हैं, एनर्जी का मतलब क्या हुआ, उसके वेव करेक्टर की बात होने लगी। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है हम इसके वेव नेचर को बता रहा, एनर्जी ऑफ फोटोन की बात कर रहा हूं ना, बता रहा कि नहीं बता रहा, एनर्जी ऑफ फोटोन को बता रहा। मास, किसी भी मास को अगर हम वेलोसिटी से मूवमेंट की करते हैं, किसी मास की अगर मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हम इसका मतलब उसके ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं, अर्थात उसके हम किसकी बात करते हैं, पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। तो ये इक्वेशन में ई बराबर एम सी स्क्वायर में किसी भी पार्टिकल के दोनों नेचर छुपे हैं ना इस इक्वेशन में, पार्टिकल के दोनों नेचर, लाइट पार्टिकल्स के, लाइट के विषय में इसने इंफॉर्मेशन दी। आइंस्टीन ने क्या कहा, लाइट के विषय में एक इंफॉर्मेशन दी, और इस इंफॉर्मेशन देने की वजह से उनके अंदर एक क्रांति आ गई, और क्रांति आने के बाद उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ई बराबर एम सी स्क्वायर इक्वेशन के लिए तो नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन को, याद होगा आप लोगों, आइंस्टीन को जो है ई बराबर एम सी स्क्वायर की वजह से तो नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, फिर क्या हुआ इसके बाद, हमारा काम हुआ, ये तो बात मेरी समझ में आई आप लोगों को कि नहीं समझ में आई, अच्छी तरह से क्लियर हुई। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं आपको, डी ब्रॉगल 1924 में, कब हुआ था 1924 में डी ब्रॉगली ने अपने सिद्धांत को जस्टिफाई किया था, और उसने क्या कहा था, पहले उसने एक सेंटेंस को दिया, नेचर नेचर है सिमेट्री, मतलब इस बात का स्पष्ट, इसने एक सेंटेंस दिया नेचर है सिमेट्री, इसका मतलब क्या हुआ आप लोगों को बिल्कुल बात है, इसने सिर्फ ये सेंटेंस एक दिया कि नेचर है सिमेट्री। आपको मालूम है कि नेचर का एक सिद्धांत होता है, हर एक्शन अगर हम जो नेचर पे करते हैं वो रिटर्न में हमको रिएक्शन प्रोवाइड करती है, तभी तो हम लोग को हमारे बड़े बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि बेटा अच्छे काम करो जिससे तुम्हें अच्छा आउटपुट मिले, जैसा तुम इनपुट देते हो वैसा आउटपुट आपको मिल रहा होता, जैसा आप इनपुट देते हो वैसा आउटपुट मिल रहा होता है, यह एक ब्रह्मांड या एक नेचर का सिद्धांत है। ठीक, तो अब देखो उसने इसी पॉइंट को पकड़ लिया, और इसी पॉइंट को पकड़ करके उसने कहा कि अगर मैटर है
अगर मैटर हमने लिया, मैटर आते ही कोई मास आते ही हमको क्या नजर आने लगता है, पार्टिकल नजर आने लगता है, उसके अंदर पार्टिकल नेचर नजर आने लगता है। जैसे मास आता है हमको क्या होता है, पार्टिकल्स नेचर नजर आने लगता है। उसने कहा जब लाइट वेव होते हुए भी उसके अंदर पार्टिकल करेक्टर है। लाइट क्या है, एक तरह से वेव है, जब उसके अंदर पार्टिकल करेक्टर छुपा हुआ है तो निश्चित रूप से कोई अगर पार्टिकल्स होगा तो उसके अंदर वेव करेक्टर भी तो छुपा होगा, क्योंकि नेचर है सिमेट्री। ठीक है, उसने कहा, बस उसने इतनी बात कह दी, लोगों का प्रूफ करो, कहता मुझे मालूम नहीं, कहता ये बात सही है। उन्होंने कहा कि सही है, कैसे सही है? उन्होंने कहा अगर ये सही नहीं है तो ब्रह्मांड सही नहीं है, जब ब्रह्मांड नहीं सही है तो आइंस्टीन नहीं सही है, उसका भी नोबेल पुरस्कार छीन लो या तो हमको भी दे दो या तो उसका भी नोबेल पुरस्कार वापस ले लो, या तो ब्रह्मांड की जो कल्पना है या उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो गई। क्योंकि ये बेसिकली जो है पीएचडी कर रहा था, पीएचडी स्कॉलर था, स्टूडेंट टाइप के, स्टूडेंट लाइफ की उसकी बात थी। उसने अपने एक रिसर्च में इस चीज को पाया और पा कर करके उसने दे दिया, तो उसको ज्ञान जो है पूरा फुल फ्लैश ज्ञान तो था नहीं, क्या होता है उसको मैच्योर ज्ञान तो था नहीं, लेकिन उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कह दी कि भाई कि अगर भाई आप मानते हो ब्रह्मांड की अगर हम बात करते हैं तो एवरी एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होती है। जब आइंस्टीन साहब ने यह कह दिया कि लाइट वेव होने के बावजूद भी उसके अंदर पार्टिकल करेक्टर है, तो हम कह रहे हैं कि पार्टिकल अगर कोई होगा तो उसके अंदर वेव करेक्टर भी तो होगा। पूछा कैसे, कैसे? उसने कहा नेचर हैज सिमेट्री। उसने कहा नेचर हैज सिमेट्री। उसने कहा या तो हमको नोबेल पुरस्कार दे दो या आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार ले लो, या तो हमको नोबेल पुरस्कार दे दो या आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार वापस ले लो। फिर मामला और गंभीर हुआ। फिर क्या होगा, फिर इस चीज को मैथमेटिकली प्रूफ किया गया। इस चीज को फिर बाकी साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा ठीक है, जे जे थॉमसन का नाम तो सुना होगा, उनके लड़के का नाम क्या था, जे बी थॉमसन, क्या नाम था, जे बी थॉमसन, ठीक है ना, जे बी थॉमसन ने, ठीक है ना, रदरफोर्ड्स ने, आइंस्टीन्स ने, आइंस्टीन नहीं, ठीक है ना, प्लांक्स ने इन बातों का समर्थन किया, मैथमेटिकली इस बात को उन्होंने प्रूफ कर दिया और कहा कि ये जो डी ब्रोगली जो बात कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा, और उसने उसको मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने के बाद इसको नोबेल पुरस्कार मिल गया, बाद में मिला जब उसको मैथमेटिकली लोगों ने प्रूफ कर दिया तो उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। जब अब लोगों ने कहा, जेपी थॉमसन ने कहा, जब भैया तुमने उसको नोबेल दे दिया तो हमारा नोबेल कहां है? तो फिर क्या हुआ, इकट्ठे जो तीन चार लोगों को नोबेल पुरस्कार, इसी चक्कर में सिर्फ एक सेंटेंस की वजह से तीन चार लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल गया। आइंस्टीन ने भी इस बात का समर्थन किया, क्यों समर्थन किया, कहीं मेरा नोबेल पुरस्कार छिन्ना जाए तो आइंस्टीन ने भी इस बात का समर्थन किया कि हाँ बिल्कुल बात ठीक कह रहा लड़का, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको भी दे दो नोबेल पुरस्कार, नहीं समझना और जब उसको भी नोबेल पुरस्कार दिला दिया गया तो अब बता, अब क्या हुआ, अब इस चीज को भाई अब कहा गया मैथमेटिकली कि अगर कोई भी मैटर है, अगर कोई भी मैटर है तो उसके अंदर क्या होगा, कोई भी अगर मैटर है तो उसके अंदर क्या होगा, वेव करेक्टर होगा। वही तो कहा उसने कि उसके अंदर वेव करेक्टर होगा, उसने उसे दिखाओ, उसने कहा भाई वेव करेक्टर है तो आप इसको दिखाइए कि इसके अंदर वेव करेक्टर है, एक्सप्लेन करो। उसने कहा ठीक है भाई हम एक्सप्लेन करते हैं वेव करेक्टर कैसे। तो उसने कहा अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो पहले तो ये तो बताओ कि जो आपका जो मैटर पार्टिकल मूव कर रहा है, जो मैटर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके अंदर अगर वेव करेक्टर है तो उसकी हर वेव की पर्टिकुलर एक वेवलेंथ होती है, क्या होती है, पर्टिकुलर एक क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो आपका जो मूविंग पार्टिकल्स होगा, जो भी मूव कर रहा होगा, तो उसकी कोई ना कोई तो वेवलेंथ होनी चाहिए। तो उसने कहा लो भैया हमने फार्मूला दिया, उसने एच लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी या इक्वल टू एच अपॉन
ये इसने एक्सप्रेशन दिया, ये एक्सप्रेशन किसने दिया, जे बी थॉम्सन और सारे आइंस्टीन के प्लांक्स ने सबने मिलजुल करके इस एक्सप्रेशन को जनरेट करके दिखाया। ये देखिए इसका मतलब, ये लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लैम्डा की बात हो रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग वेव की बात कर रहे हैं, क्योंकि लैम्डा वेव में ही होता है, लैम्डा कभी पार्टिकल्स में नहीं होता है। मास हमेशा मोमेंटम की अगर हम बात करें, लीनियर मोमेंटम जो होता है वो किस में होता है, लीनियर मोमेंटम एक पार्टिकल का करेक्टरिस्टिक है, वेव की करेक्टरिस्टिक नहीं है। इम्पैक्ट, इम्पल्स, ये सब किसकी करेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल की करेक्टरिस्टिक है ना, पार्टिकल की प्रॉपर्टी है ना। आई एम राइट एनंग, कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये पार्टिकल का करेक्टरिस्टिक्स है, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब ये इधर साइड इसका पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा, इसको एक्सप्लेन कर रहा पार्टिकल, लेफ्ट हैंड साइड ने वेव नेचर को एक्सप्लेन किया, राइट हैंड साइड में क्या हो गया पार्टिकल नेचर को। तो इस इक्वेशंस में हमारा वेव करेक्टर भी इन्वॉल्व है और पार्टिकल करेक्टर भी इन्वॉल्व है, क्यों भाई सही कहा मैंने, वेव करेक्टर भी इन्वॉल्व है और क्या है पार्टिकल करेक्टर भी हमारा इन्वॉल्व है, क्यों भाई सही है सही है। उसने कहा ठीक है भाई, उसने कहा भाई आपने ये इक्वेशन दी है तो पहले तो बताइए इक्वेशन आपने दी किस हिसाब से, ड्राइव कैसे की, इस इक्वेशन को आपने ड्राइव कैसे किया, इसके डेरिवेशन, बाकी साइंटिस्टों ने इसका डेरिवेशन दिया था और उस डेरिवेशन की नोट करना है, क्या नोट करना है, यहां तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, अच्छी तरह से सभी बच्चों को समझ में आई। अब देखो अब क्या कि इसका डेरिवेशन कैसे जनरेट किया गया, प्लांक्स की इक्वेशन थी E बराबर क्या होती है बेटा एच न्यू या E बराबर एच सी अपॉन लेमडा, E बराबर क्या होती है एच सी अपॉन लेमडा, E बराबर क्या होती है एम सी स्क्वायर, ये प्लांक्स इक्वेशन है, ये आइंस्टीन की इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आप कहोगे सर एम सी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, एच सी एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, हुआ कि नहीं हुआ, सी से सी कट गया तो हमारा क्या होगा, लेमडा इक्वल टू कितना आएगा एच अपॉन कितना आ गया एम वी एम सी, ये किसकी बात हुई, यहाँ E बराबर एम सी स्क्वायर बात की तो हमने लाइट की बात की, तो जब हमने लाइट की बात की तो यहाँ लाइट की वेलोसिटी ली, अगर हम पार्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, अगर हम किसकी बात करेंगे, अगर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसके वेलोसिटी को ही लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते पार्टिकल की बात करेंगे तो किसी भी पार्टिकल्स जिसका मास m है तो उसके अंदर एसोसिएटिव वेवलेंथ क्या होगी h अपॉन एम वी होगी, आई एम राइट और रॉन्ग, उसके अंदर एसोसिएटेड क्या होगी H अपॉन एम वी होगी, ठीक। हमने कहा बिल्कुल सही सर बात, हमको ये बात आपकी समझ में आई और डेरिवेशन भी समझ में आया, तो ये मिल कर करके भाई आइंस्टीन ने भी अपना नोबेल बचाया और बाकी लोगों ने भी अपने नोबेल को क्रिएट किया और उसको भी नोबेल मिल गया, ठीक। अब फिर स्वाभाविक है, एक नेचर है, जब दूसरे कुछ मिल जाता है, जब अपने को कुछ नहीं मिल पाता तो दूसरे में जलन होती, थोड़ी सी उसकी लकड़ी करते रहो भाई, है क्या, उसने कहा अब इसका नोबेल पुरस्कार सारे साइंटिस्ट लग गए कि अब इसका नोबेल पुरस्कार छिनवा ही दो, उसने कहा ठीक है, कहता है अच्छा ऐसा है तो अब हमको दिखाओ क्या भैया, ई बराबर एच डी तो हम लोग ड्राइव करके आए थे ना, वो तो फोटोन प्लांक्स ने क्वांटम थ्योरी दी थी ना, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने बता दिया था कि हर पार्टिकल्स का जो होता पैकेट के फॉर्म में मूव करता और एक फोटोन की एनर्जी एच डी होती, ये प्लांक्स ने दिया था, ये कॉन्सेप्ट का उसने कौन दे चुका था, प्लांक्स दे चुका था, और उससे पहले ये बात लड़ाई कब हो रही थी 1924, इससे पहले प्लांक्स की इक्वेशन आ चुकी थी E बराबर एच न्यू, मार्केट में अवेलेबल थी E बराबर एच न्यू, कोई दिक्कत, फ्रीक्वेंसी H प्लांक्स कॉन्स्टेंट,
मालूम नहीं है क्या? प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी नहीं मालूम होगी। चलो अभी कैलकुलेट करते हैं, टेक्स्ट क्लियर। अब एक साइंटिस्ट को भाई बहुत बुरा लगा, बहुत साइंटिस्टों को। अब कहा चलो तुम्हारा नोबेल अभी समझते हैं। उनने कहा ठीक है। एक साइंटिस्ट था, ये साइंटिस्ट है दुखी टाइप का, इसका विद्वान साइंटिस्ट, ठीक। इनने कहा भैया देखो अब, अरे सुनो तो मेरी बात, है मास्क लगाए इसका, अच्छा हाथ भी है, अरे साइंटिस्ट है ना, कुछ भी हो सकता है, ये लो ओके, आपका साइंटिस्ट हो गया पूरा कंप्लीट। चलो अरे सुनो, बाल वाल लगा दे इसके, ठीक है अब तो सही हो गया, पंडित नहीं रहा ना, अब बाल भी आ गए, अब समझो कॉन्सेप्ट, समझो तुम लोग साइंटिस्ट को समझने लगे हो, उसके अंदर के कॉन्सेप्ट को समझोगे, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट था, उनने कहा देखो भाई, अब साइंटिस्ट कितना हुआ, कुछ ग्राम का होगा, कितना आदमी कितना का, 150 ग्राम का तो होता ही है। उन्होंने कहा भैया एक साइंटिस्ट था, वो क्या था, 100 केजी का था। उनने कहा भैया देखो, हम तो किसी वेलोसिटी से अब दौड़ना शुरू कर रहे हैं। उनने कहा भैया हम 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, थोड़ा मोटे आदमी हैं, ज़्यादा दौड़ नहीं पाएंगे, ठीक। कहता हम दौड़ रहे हैं, अब मेरे अंदर एसोसिएटिव वेव दिखाओ, इसका मतलब अगर हम दौड़ रहे हैं, तुमने कहा कि एवरी मूविंग पार्टिकल्स, इसका मतलब इसका स्टेटमेंट क्या था कि एवरी, स्टेटमेंट की बात करें, एवरी मूविंग पार्टिकल्स एसोसिएटेड वेव नेचर, एसोसिएटेड एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड वेव नेचर स्टेटमेंट है। उसने कहा कि भाई हम कह रहे हैं कि एवरी मूविंग पार्टिकल्स हैव एसोसिएटेड वेव नेचर, तो साइंटिस्ट ने कहा ठीक है एसोसिएटेड, तो मेरे अंदर भी तो वेव है, निकालो दिखाओ हमारे अंदर वेव है। उन्होंने कहा ठीक है, कहता हूँ ठीक, कहता अभी देखो कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने कैलकुलेट करना शुरू किया, लैम्डा इक्वल टू, उसने कहा देखो भाई एच अपॉन एम वी मालूम है आपको फॉर्मूला, अभी मैं दे मेरे साथियों ने दिया है। उन्होंने कहा हाँ माई मालूम है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम होती है सभी बच्चों को, 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड होती है, ठीक है इसकी वैल्यू मालूम होती है, ठीक, डिवाइडेड बाई मास, साइंटिस्ट कितने ग्राम का है, 100 केजी का, निकाल रखो भाई मास इंटू 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जोड़ रहा, इक्वल टू, उसने कहा 3.31 × 10⁻³⁶, ये आ गया कि नहीं आ गया, इतने क्या आ गया, इतने के तक कितना गया, मीटर आया ना, या इक्वल टू कितना गया, 3.31 × 10⁻²⁶ एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁰ से -10 से भाग दे दिया, एंगस्ट्रॉम में बदल गया। उनने कहा भैया देखो तुम्हारी वेव लेंथ इतनी है, तुम्हारी वेव लेंथ इतनी है। उन्होंने कहा हैं, उन्होंने कहा ये तो नहीं है, उन्होंने कहा है, कह रहा डिटेक्ट कर लो। उसने कहा हम वो कह रहे हैं कि इतनी है तुम्हारी वेव लेंथ, वो कह रहा हमको तो दिखाई नहीं दे रही इतनी हमारी वेवलेंथ है। उनने कहा डिटेक्ट कर लो, बहुत समझदार टाइप का था, क्लेवर टाइप का था, क्योंकि जितने भी उस समय इंस्ट्रूमेंट प्राप्त थे वो 0.001 एंगस्ट्रॉम से छोटी वेवलेंथ को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। उसने कहा क्या भैया देखो इट इज, इसने तुरंत समझाया, नॉट डिटेक्टेड। क्यों नहीं डिटेक्ट, क्या भैया देखो अभी तक जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो 0.001 एंगस्ट्रॉम है, तुम्हारी वेवलेंथ इसलिए तुम्हें नजर नहीं आ रही है कि तुम्हारी वैल्यू इससे बहुत, अरे 10⁻³ ऑर्डर हुआ और यह 10⁻²⁶ ऑर्डर हुआ, कह रहा दूर दूर तक इसीलिए तुम्हें नजर नहीं आ रही, बेवकूफ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। और सुना उनने कहा तुम्हारे अंदर एसोसिएटेड वेवलेंथ इस रेंज की है इसीलिए तुम्हें नहीं दिखाई दे रही, और तुम्हारे अंदर वेव करेक्टर का एहसास नहीं हो रहा, तुम साइन कर्व की तरह उड़ नहीं पा रहे हो, तुम इसीलिए चल पा रहे हो, समझ में आया, उसको समझा दिया, कब बैठो, ठीक क्लियर हो गया, इसका फंडा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ।
अब देखो, फिर जब ये बिल्कुल अड़ गया तो अब बाकी लोग भी नोबेल ले चुके थे, उनने कहा नहीं डिटेक्ट हो पाएगा। जब उसने ये कह दिया कि भैया डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, तो कह रहा नहीं डिटेक्ट होगा, तो अब तुम अपना भी नोबेल वापस करो। उन्होंने कहा ठीक नहीं। अब बाकी जो जेबी थॉमसन और ये सब ले जा चुके थे नोबेल, उन्होंने कहा भैया अपना तो नोबेल फिर गायब होना, अब बचाओ उसको। उन्होंने कहा देखो हम कैलकुलेट, लड़ाई ना करो, हम देखो कैलकुलेट करके दिखा रहे। उनने उठाया फिर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को कंसीडर किया। किसको कंसीडर किया? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को कंसीडर किया। सभी बच्चों को मालूम है कि सर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का मास जो होता है 9.1 × 10^2 कितना होता है? -31 kg होता। सभी बच्चों को मालूम, उस समय तो भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मालूम था ना कि नहीं मालूम था? ये तो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, ये तो उस जमाने, उसके पिताजी के जमाने का था जब मास निकल गया था, उससे पहले का निकला हुआ मास रखा हुआ था। तो लड़का बता रहा था, जे जे थॉमसन ने सब कुछ बता दिया था, उसके लिए रास्ता आसान कर दिया था कि लो बेटा ये भी है तुम्हारे पास। ठीक, m = 9.1। जनरली ऑन एवरेज अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो ऑन एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें ve, तो 10^4 to 10^6 के रेंज में होती है मीटर पर सेकेंड की। और उसकी वेलोसिटी रेंज जो होती है वो 10^4 to 10^6 मीटर पर सेकेंड की रेंज होती है उसकी वेलोसिटी की, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की। ठीक है, ओके, वैल्यू को रख के थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा आओ देखो, समझ लो सब अपना नोबेल बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा λ = h/ क्या हो बेटा? mv। रखो वैल्यू, उन्होंने कहा 6.62 × 10^-34 / 9.1 × 10^-31 हमने वेलोसिटी रख दी 10^2, कितनी रख दी? 5 रख दो, चलो ठीक है रख दिया। सॉल्व करो जरा इसको, अप्रॉक्स सॉल्व कर लेते हैं, एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, अप्रॉक्स सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या करेंगे, 6.6 कितना हुआ? 6, और यहाँ 9 कर दें कोई दिक्कत। इंटू क्या होगा? इंटू 10^2 कितना हो जाएगा बताओ बेटा? 10^2 -34 था, 10^-34 +31 -5 ये तो हुआ। अरे भाई 10^-34 ये ऊपर गया, ये प्लस का हो गया, ये 10^5 ऊपर गया तो माइनस का हो गया, नहीं हुआ। इक्वल टू सॉल्व किया तो क्या आया बेटा? 2.2/3 ये हुआ ना। क्यों भाई? 3 3 9 हाँ ठीक। इंटू 10^2 कितना है बेटा? है -8। इक्वल टू और सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? 0.666 आसपास कुछ आएगा मेरे ख्याल से, ऐसा आएगा ना, यही आ रहा ना, 0.6 हाँ 0.7 आगे फिर 3 आएगा, हाँ 3 आएगा, फिर आगे 3 3 से चलता रहेगा, नहीं है क्यों भाई? कोई दिक्कत। इंटू 10^2 कितना होगा? -8। क्या हुआ? ये मीटर आया। इसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे? 10^-10 से, तो ये किस में बदल जाएगा? एंगस्ट्रॉम में। सॉल्व करो कितना आया? क्या 7.33 ना, 73.33 आ गया, काम बन गया। ये प्रॉपरली डिटेक्ट किया जा सकता है। जब हमने कहा कि मिनिमम वैल्यू कहाँ से 0.001 तक डिटेक्ट की जा सकती है, तो क्या इस वैल्यू को तो बहुत आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है, जो दशमलव से पहले की बड़ी वैल्यू आ गई। तो इसको सभी लोगों ने डिटेक्ट कराया, और डिटेक्ट करा के देखो डिटेक्ट हो रहा कि नहीं डिटेक्ट हो रहा।
ठीक ढिरा करके उस आदमी को जो नोबेल सबके छिनवाए दे रहा था उसको समझाया, देखो भाई कि अब देखो उसको तुरंत ज्ञान दिया गया जो यूनिवर्सल लॉ बना कि अब उसमें करेक्शन कर दिया गया स्टेटमेंट में। बात बिल्कुल सही है कि एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड वेव नेचर, इसका मतलब क्या है, कोई भी पार्टिकल उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैविंग मोर वेव करेक्टर एंड लेस पार्टिकल करेक्टर, नहीं समझ में आया? अगर अगर क्या होगा भाई, दोनों चीजें हैं उसमें, ये दोनों हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक होगा तो उसका वेव करेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा, पार्टिकल करेक्टर कम हो जाएगा, ऑन एवरेज दोनों क्या होगा, सम बराबर हो जाएगा। इसीलिए उसने कहा कि देखो भाई इलेक्ट्रॉन का इसलिए आप निकाल ले रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक। और साइंटिस्ट साहब आपका इसलिए नहीं निकल पा रहा है कि आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं, आप कद्दू हैं, ठीक है ना, 100 kg के हैं, इसलिए आपका डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, इसलिए आप बैठ जाइए। और अब नोबेल पुरस्कार छिनवाने की बात मत करिएगा, ठीक है, इसलिए बैठ जाइए आप, ओके। तो अब क्या हुआ, सबका नोबेल पुरस्कार बच गया, क्लियर हुआ, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? नहीं प्रूफ हुआ, समझ में नहीं आया, क्लियर हो गया, नोट कर लो जरा। चलिए यहां तक मेरी बात समझ में आएगी, सबका नोबेल पुरस्कार बच गया, ठीक है ना, काम हो गया। अब हम बात करते हैं वेवलेंथ इन डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स के में वेवलेंथ। अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, डिफरेंट टर्म्स, कैलकुलेशन ऑफ वेव लेंथ इन डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स में वेव लेंथ की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। पहला कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स, ओके। आप सभी बच्चों को मालूम है कि बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हम क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेव लेंथ, मतलब लेमडा इन टर्म्स ऑफ इन डिफरेंट टर्म्स, यहां जो टर्म्स है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। लेमडा इक्वल टू निकाला क्या आया, एच अपॉन एम वी आया, ओके आया। इसको सॉल्व करना है हमको। अब देखो यहां से इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो इस इक्वेशन, एक काम करो इस इक्वेशन से एम वी की वैल्यू निकालने और नीचे वाली इक्वेशन में रख दे। कहेंगे कैसे निकालेंगे सर एम वी की वैल्यू, हम कह रहे हैं एक काम करो तुम लोग पहले दोनों तरफ एम का मल्टीप्लाई कर दो, एम इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इधर टू व्हीलर मल्टीप्लाई कर दो, तो एम इंटू क्या हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया बेटा। तो एम वी की वैल्यू क्या आ गई, अगर हम देखें तो एम वी इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, आया कि नहीं आया, नहीं समझ में, वैल्यू रख गई क्या ना सर, आराम से निकल गया, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक, ओके और नॉट ओके, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की मालूम है तो अर्थात उसके अंदर एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या है वो हमको पता है। क्वेश्चंस आता है, डी ब्रोगली एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, उसको इसीलिए हमने जो है आपको एक सीक्वेंस वे में समझाया, और आई होप डेट कभी नहीं भूलोगे अब डी ब्रोगली, उसकी पूरी कहानी उसकी हिस्ट्री कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब देखो तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में एसोसिएटेड वेवलेंथ निकाल ली हमने, निकाल ली, नोट कर लो फटाक से, 60 सेकंड का समय, आगे देखो। अब बताओ इसका मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ से सवाल को बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मोड दे सकता है हमारे तरह इंटेलिजेंट अगर आदमी पेपर सेटर होगा तो। काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हम लोग देखते रहते हैं, जैसे हमने कहा मैग्नेट
में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, निकाल लोगे, मैग्नेट में चले गए हम लोग। इस सवाल को अगर हम चाहें तो देखो कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, मैग्नेट का सवाल बना सकते हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहा है तो हम पूछते थे उसकी एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी, नहीं समझ में आया। तो अब मैग्नेटिक फील्ड को याद करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के बहुत से फिजिक्स में फार्मूले आपको मालूम, आप निकालो। दूसरी तरह से हमसे क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस, अगर दो पैनल्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है तो पार्टिकल्स में क्या जाता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो पार्टिकल के अंदर क्या होता है, मोशन आता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मूविंग पार्टिकल्स है तो उसकी भी एक अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। आपको हाँ बात तो सही है सर आपकी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी इस सवाल को रिलेट कर सकता है, एसोसिएटेड कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसकी एसोसिएटेड वेवलेंथ निकाली जा सकती है। आपने कहा हाँ बात तो सही। अब फिर नहीं मानेगा, वो कहेगा अगर हमको याद हो तुम्हें जो कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स होता था, गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं कंटेनर में रैंडम मोशन करते हैं, जिगजैग मोशंस करते हैं, तो हर गैसेस, हम अब इसको गैसेस से ले जाके कोरिलेट कर दिया, तो हर गैसेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालते थे, क्या होती थी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्या होता था, नहीं मालूम। चलिए हम एक एक बात करें, भाई आप लोग ज़्यादा होशियार लग रहा अब, लेकिन हम आपको समझदार बच्चों को हमने बहुत बड़ा हिंट दे दिया कि इस सवाल में अगर किसी भी तरह से बात कर रहा हो एसोसिएटेड, किसी भी एसोसिएटेड वेवलेंथ की बात कर रहा हो तो समझिएगा कि यही वाला जनरल फार्मूला लग रहा होगा हमको उस सिचुएशन का, उस कॉन्सेप्ट के द्वारा हमको काइनेटिक एनर्जी बस निकालना। तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी उस पर्टिकुलर, इलेक्ट्रो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाती है उस पर ध्यान जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे काइनेटिक एनर्जी निकालेगा उस पर हमारा पूरा कंसंट्रेशन, मतलब इस सवाल को हम घुमा करके अगर हमको कठिन बनाना होगा तो फिजिक्स से टर्न करा के केमिस्ट्री में रख देंगे, तो बच्चा सवाल ना कर पाए। भाई टीचर एग्जामिनर पेपर सेटर का ये होता है कि बच्चा सवाल ना कर पाए, और बच्चे की इंटेलिजेंसी होती है कि हम चाहे जितना कठिन सवाल बना लो हम कर लेंगे, दोनों में ही लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग बात करते हैं अब हम इसी में ही बात करें, क्या निकालें, लैम्डा फॉर, इसी में ही अभी चल रहे हैं, लैम्डा फॉर मूविंग गैस मॉलिक्यूल, मूविंग गैस मॉलिक्यूल, लैम्डा फॉर मूविंग गैस मॉलिक्यूल। तो आपको खुद ही मालूम बेटा एक कंटेनर होगा, आपको खुद याद आ रहा होगा गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटेनर के अंदर, तो जिगजैग मोशन करता है, कोई पार्टिकल इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, ठीक है ना, कोई कैसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऊपर जा रहा हो, कोई नीचे जा रहा हो, कोई जिस तरह जिगजैग मोशन करते हैं ना पार्टिकल्स, याद आया। आपको याद अगर हो तो काइनेटिक एनर्जी फॉर वन गैस मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फॉर वन गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा, अगर आपको याद हो F बाई टू के टी, एफ बाई टू के टी, हम लोग स्मॉल के बनाते हैं के टी, एफ क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, के क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या होता है टेम्परेचर इन केल्विन, एफ इस क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो हम क्योंकि बहुत से हो सकता है टर्म्स आपके लिए बहुत नए आ जा रहे हो, क्योंकि ये हम अब कहाँ से कॉन्सेप्ट भाग गए, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से किस चैप्टर में कूद गए, गैसेस स्टेट में चले गए, कहाँ चले गए गैसेस स्टेट में चले गए, तो हो सकता है बहुत से टर्म्स तुम्हारे लिए क्या हो जाए नए हो जाए, लेकिन आप अगर इसको और डिटेल में देखना चाहते हो तो गैसेस मॉलिक्यूल चैप्टर खोलिएगा और अपना उसको पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा।
काइनेटिक एनर्जी फॉर वन गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एफ बाई टू होता है, जहां एफ जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम होता। अब मॉलिक्यूल का मोनो एटॉमिक होते हैं, गैस कैसी हो सकती है, जो गैस हो सकती है वो कैसी हो सकती है, गैस जो हो सकती है क्या हो सकती है, मोनो एटॉमिक हो सकती है। गैस कैसी हो सकती है, डाई एटॉमिक हो सकती है। गैस क्या हो सकती है, गैस क्या हो सकती है, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक हो सकती है, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक लीनियर और पॉली एटॉमिक या पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस होती है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ का मान 3 होता है, डाई एटॉमिक के लिए क्या होता है, क्या होता है, 5 होता है। इनके लिए होता है, इनके लिए क्या होता है, ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, 7 होता है, नीचे वाले के लिए क्या होता है, 6 होता है। जैसे बहुत से बच्चे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखते हैं 3/2 kT, क्या याद रखते हैं, 3/2 kT, बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन वो किसका होता है, वो मोनो एटॉमिक गैस का होता है, वो क्या होता है, मोनो एटॉमिक गैस। हो सकता है सवाल में मोनो एटॉमिक गैस ना दे, वो डाई एटॉमिक गैस दे दे, तो एफ का मान अलग अलग तुम्हें रखना पड़ जाएगा। नहीं समझ में आई मेरी बात, अरे समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई, कोई दिक्कत, मतलब ये देखिए दो दो यूनिट का लगभग प्रोसेस है, 3, 2, 5, 2, 7, 6 आसपास का है, मोटा मोटा हम लोगों को याद हो जाता है, कोई दिक्कत कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी हमारी निकल गई, ठीक है, तो अगर हम लोग इसके लिए निकालना चाहते हैं, ज़्यादातर हम लोग मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। फॉर मोनो एटॉमिक गैस लैम्डा इक्वल टू फार्मूला क्या बन जाएगा, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, नोट कर लिया, फॉर मोनो एटॉमिक गैस फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए एफ का मान कितना हो जाएगा बेटा, 3। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोनो एटॉमिक, काइनेटिक फॉर वन मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना आएगा बताओ बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक की बात कर रहे हैं ना, तो एफ का मान कितना हो जाएगा, 3/2 kT। यहाँ के का मतलब आपको मालूम है, मालूम है ना, के का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी का मान टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है ना, और 3/2 कोई दिक्कत है। अब मुझे बताओ अगर हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएं, तो इसका मतलब ये हमारी काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल्स हो गया, एक मॉलिक्यूल की क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई कि नहीं हो गई बताओ बेटा। अब हमारा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, इंटू काइनेटिक एनर्जी, डैस क्लियर नॉट क्लियर, इक्वल टू क्या है बेटा, दिस इंडिकेट देयर, लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन क्या हुआ बताओ, अंडर रूट वैल्यू रखना शुरू करो, 3m इंटू काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू क्या है बताओ बेटा, इक्वल टू क्या है, एच अपॉन अंडर रूट 3m kT, 3m kT। m क्या होगा, मास ऑफ वन गैसेस मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन गैसेस मॉलिक्यूल्स, एक गैसेस मॉलिक्यूल का मास, किसी भी चीज़ का मास निकालना है किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल का, एक गैसेस, तो हम मोनो एटॉमिक ले रहे हैं, तो मोनो एटॉमिक में सबसे ज़्यादा फेमस गैस कौन सी होती है, हीलियम, अगर मोनो एटॉमिक में देखें तो हीलियम का, तो अगर हमने कहा कि बेटा जरा हीलियम के में एसोसिएटेड वेवलेंथ निकालो, अब ये
अरे सर बहुत आसान है। मैंने कहा आसान है तो बेटा निकालो। तो एच ई के लिए आपने निकाला, तो आपने कहा एच ई के लिए सर एच ई के एक मॉलिक्यूल का मास निकालो, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसके लिए एम का मान कितना होगा बताओ, 4 AMU, 4 MAU, AMU होता है कि नहीं होता। अच्छा, और AMU की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है बेटा, AMU की ग्राम में 1 AMU बराबर कितने ग्राम के होते हैं, 1 AMU बराबर कितने ग्राम का होता है, 1 AMU बराबर कितने ग्राम का होता है, 1 AMU बराबर हाउ मेनी ग्राम्स, वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू 10^24 ग्राम होता है। ये वैल्यू जो होती है शायद 1/N0 होती है, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाती है। ठीक है, तो आप इसमें ग्राम में बदले, आपने कहा ये तो सवाल जो होगा बहुत खतरनाक टाइप का हो गया। H का मान रखो 6.02 इंटू 10^24 हमारे, इस भैया इसका रखो, K का रखो, सबका रखो, तो भैया सवाल का कैलकुलेशन बहुत बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अरे हमने कहा सही तो नहीं, सही है कि नहीं। फिर हमने आपको बचाने के लिए हमने एक काम कर दिया, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकाली जा सकती है। हमने क्या किया कि सबकी वैल्यू को रख करके हमने कैलकुलेट कर लिया, सारे कांस्टेंट की वैल्यू हमने रखी थी और रख करके हमने उसको कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट कर करके हमने क्या किया एक जनरल फार्मूला बना दिया कि सारी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करके रखते हैं तो लगभग वैल्यू आ जाती है 25.6 डिवाइडेड बाई √M इंटू √T, इतने एंगस्ट्रॉम। अब करना आसान है कि नहीं है भाई, मोलर मास को हमने कन्वर्ट कर लिया, उसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया जो भी है, ठीक है ना भाई। m का टर्म्स आएगा 4 × det आएगा, तो 4 को m मान लिया, फिर हमने सबकी वैल्यू रखी, ये सब कैलकुलेट किया, हमने t को छोड़ दिया, देखो √T था तो √T को बाहर निकाल लिया, √T को छोड़ने के बाद बाकी जितनी भी स्पेसिस बचेगी √T और m को छोड़ने के बाद जो भी स्पेसिस बचेगा उसका जब वैल्यू रख करके आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग इतनी वैल्यू आ जाती है। तो ये फार्मूले को याद रखना, ये ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए सवाल करने में, नहीं समझना, ये फार्मूला ज़्यादा सवाल करने में क्या है, हेल्पफुल है। डैस क्लियर और नॉट क्लियर, कोई दिक्कत? तो अगर किसी भी चीज़ की वेवलेंथ पूछा तो इसका मतलब अगर गैस का नाम दे देगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास पता, टेम्परेचर दे दे, जिसे हमने कहा एक हीलियम है 127 डिग्री पे है, ऑक्सीजन 27 डिग्री पे है, उसकी वेवलेंथ का रेशियो निकालो, निकाल लोगे तो λ1/λ2 इक्वल टू क्या लिखोगे, √, जैसे हमने कहा रेशियो निकालना है किसी चीज़ का तो λ1/λ2 इक्वल टू क्या लिखोगे, कहोगे सर √ क्या होगा बेटा, m2/m1 √T2/T1 रख करके कहना सर कैलकुलेट कर देंगे रेशियो, हमको क्या दिक्कत है। अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो भाई, नहीं होगा, चलो आगे बढ़ो। और चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। टेक्स्ट क्लियर।